थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, मात्र 2 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी दे रही है कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आप में से काफी सारे लोगों का ये कमेंट रहता था कि कुछ वैसा फ्रेंचाइजी भी लेकर आइए जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो। सो आज का जो ये वीडियो है वो आपके ही रिक्वेस्ट पर मैंने बनाया है, कम इन्वेस्टमेंट में ये फ्रेंचाइजी वीडियो आपके लिए। सो इस कंपनी का नाम है एब्सोल्यूट शर्मा। शर्मा अभी के डेट में काफी लोग पसंद करते हैं, शर्मा के साथ जो एग रोल लोग खा रहे हैं, शर्मा के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग एक दूसरे के साथ कंबाइन करके खा रहे हैं। लेकिन एब्सोल्यूट शर्मा में उसके अलावा भी वेरियस टाइप के मेन्यूज हैं जो आप अपने शहर में, आप अपने गाँव तक में भी इस फ्रेंचाइजी को ओपन करके लाखों रुपया का आप धंधा कर सकते हैं। कंपनी के जरा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2017 में। ये बेसिकली फूड फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करा रही है, फूड सेक्टर से रिलेटेड है और उसमें भी फास्ट फूड सेक्टर यानी कि जल्दी जल्दी बिकने वाला यही सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा चलता है अभी के डेट में। इस कंपनी ने पिछले 5 साल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया है अभी के डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 30+ स्टोर इनको ओपन हो चुके हैं। 12+ सिटीज में इन्होंने ऑलरेडी स्टोर ओपन कर दिया है। आप किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, लगभग शहर में इन्होंने एक एक स्टोर तो ओपन कर ही दिया है, वो चाहे बिहार का पटना हो या यूपी हो या बेंगलोर हो, कहीं ना कहीं आपको वो दिख ही जाएगा। और किसी भी फ्रेंचाइजी के सक्सेस होने का सबसे बड़ा राज यही है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कम लग रहा हो लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो। सो एब्सोल्यूट शर्मा ये चीज आपको प्रोवाइड करा रही है। आइए एक नजर इनके मेन्यू पर डालते हैं। किसी भी फास्ट फूड बिजनेस के लिए मेन्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेन्यू ही डिसाइड करता है कि वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, सक्सेस होगा या नहीं चलेगा, क्योंकि फास्ट फूड बिजनेस का तो मेन चीज मेन्यू ही होता है। सो ये है इनका मेन्यू। मेन्यू में देखते हैं प्राइजिंग और कौन कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर को खाने के लिए मिलेगा, वो भी हम चेकआउट करते हैं। सो सबसे पहले जो यहाँ पर हमें दिख रहा है वो है पनीर क्रंची रोल। वाओ, सो पनीर रोल तो मैं खाया हूँ, अभी इसमें क्रंची इन्होंने नया चीज किया है। सो देखिए, जब तक बिजनेस में इनोवेशन नहीं होगा तो बिजनेस में सक्सेस भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस चीज को एब्सोल्यूट शर्मा ने बहुत ही जल्दी समझ लिया है, इसीलिए देख रहा हूँ कि मैं चीजें अलग हैं। पनीर जॉम्बो रोल, पनीर कॉम्बो रोल और प्राइजिंग देखिए मात्र 80 रुपया, गजब। नेक्स्ट इसमें आता है फ्रेंच फ्राइज, इसमें भी इनके प्राइजिंग देखिए मात्र 70 रुपया, 90 रुपया, 30-30 रुपया का एड ऑन्स है। अनबिलीवेबल, इस रेट में ये लोग काम कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि इस टाइप का जो शॉप है वो छोटे शहर में भी आराम से चल जाएगा, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा गांव-गांव तक में चल सकता है। शर्मा में देखिए अरेबियन शर्मा, वाह ये एक अलग ही लेवल का टेस्ट है। अरेबियन लोडेड शर्मा, मैक्सिकन शर्मा, मैक्सिकन लोडेड शर्मा, AS स्पेशल शर्मा, स्पाइसी शर्मा हो गया। और इसकी प्राइजिंग मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, प्राइजिंग देखिए मात्र 80 रुपया है, 100 रुपया है, 90 रुपया है। मैं बताऊँ, मैं ऐसे ऐसे फ्रेंचाइजीज को भी मैंने देखा है जो इसी सब चीज़ के लिए 200-200, 300-300, 150 से तो नीचे कोई प्राइजिंग मैंने नहीं देखा, मिनिमम जो मैंने देखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें इनका आता है प्लेट शर्मा, इसका भी प्राइजिंग मैं देख रहा हूँ कि सही है। अरेबियन शर्मा ऑन प्लेट, प्लेट में शर्मा मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये लोग ड्रिंक्स भी प्रोवाइड कराते हैं अपने स्टोर से, जैसे चॉकलेट शेक हो गया, ओरियो शेक हो गया, बटर स्कॉच शेक, ये सब बहुत चलता है। इधर आप शर्मा खा रहे हैं, एग रोल खा रहे हैं, यहाँ पे शेक पी रहे हैं, दोस्तों से गप्पे लड़ा रहे हैं, यही तो है एक कैफे के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन। अरेबियन शर्मा कॉम्बो, ये कॉम्बो वाला पैकेज इन्होंने लाया है, जैसे एक साथ आप 2-4 ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई दोस्त का पार्टी लोग दे रहा है तो उस केस में। यहाँ पे भी एक्सक्लूसिव कॉम्बो इन्होंने लाया है, क्रंची चिकन का कॉम्बो है, मॉकटेल से, वाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मॉकटेल हमेशा बड़े शहरों में मिलती है, ये मैंने देखा है। छोटे शहर में आप जाएंगे मॉकटेल को तो नाम भी नहीं जानते हैं, छोटे शहर में मॉकटेल्स के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि शायद ही कोई जानता होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में एंड कैफेज में ये मिलते हैं और उसकी प्राइजिंग 200-250-300 होता है। और यहाँ पे देखिए मात्र 60 रुपीज में मोहितो दे रहे हैं ये, वाओ। मसाला कोला 40 रुपये में, ब्लूबेरी मात्र 60 रुपये में, कोक 20 रुपये में, ये तो एकदम प्राइस टू प्राइस ये बेच रहे हैं, ये गजब का बात है। अभी तक जो इनका मेन्यू देखा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये मुझे मेन्यू सही लगा। अब जरा एक और चीज़ इसमें मैं खास बताता हूँ आपको, बेसिकली किसी भी जगह पे आप देखेंगे रोल तो बिकता ही है, साथ ही साथ मोमोज बहुत बिकते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो टॉप 10 मोमोज बिकने वाले जो आइटम है इसको इन्होंने अपने कैफे में उतार दिया। अभी देखिए टॉप 10 मोमोज जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं उसके मैं नाम दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले स्टीम मोमो, ये तो सब जगह आपको दिखेगा। अब देखिए स्पेशल अफगानी मोमो, ये एक नया है। तंदूरी मोमो,
बड़ा जबरदस्त आइटम है। नेक्स्ट हो गया डेविल मोमो, ये तीखा होता है बहुत ज्यादा, क्रंची मोमो, अचारी मोमो, मोमो बर्गर हो गया, दही काली मिर्च मोमो। इस मोमो के सेगमेंट को इन्होंने ऐड करके एब्सोल्यूट शर्मा का जो स्टोर है उसका इन्होंने रौनक बढ़ा दिया। इसकी वजह से जो आपका स्टोर पे फुटफॉल है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा, स्टोर पे फुटफॉल बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। सो इस काम को स्टार्ट करने के लिए किस टाइप का लोकेशन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट फूड से रिलेटेड आइटम है तो आप बाजार में ओपन करेंगे तो चलना ही चलना है। इसके अलावा आप एरिया देख सकते हैं, जैसे ऑफिसेस का एरिया हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, सिनेमा हॉल वगैरह हो गया, या कॉलेज या स्कूल के आसपास का अगर कोई स्पेस मिल जाए तो उसमें आप देख सकते हैं। मॉल में भी होता है, एक फ्लोर उन्होंने खाने के लिए उन्होंने बना रखा हुआ होता है, तो आप उस मॉल के वहां पर भी आप स्पेस को भी देख सकते हैं। तो इस टाइप के लोकेशन पर अगर आप ओपन करेंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, बस स्टैंड वगैरह हो गया, इन सारे जगहों पर इस टाइप के आइटम बहुत तेजी से बिकते हैं। इसके अलावा जहां रेसिडेंशियल एरिया बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, वहां भी आप ओपन करेंगे तो चल जाएगा। और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आप छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी ओपन करेंगे तो लोग इसको खाना चाहेंगे, क्योंकि ये ब्रांडेड है, यूनिक है, नया कंसेप्ट का है, अलग टेस्ट का है। नेक्स्ट इसमें आता है कि इसके लिए कितना एरिया चाहिए, स्पेस कितना चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए ज्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिकली आपको 200 स्क्वायर फीट से लेकर 250 स्क्वायर फीट तक का एरिया इसमें चाहिए होगा। 200 से 250 स्क्वायर फीट के बीच में एरिया मोर देन इनफ है इस काम को स्टार्ट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आता है कि इन्वेस्टमेंट क्या आएगा। तो इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 2 लाख के आसपास में आने वाला है। कंपनी की तरफ से आपको पूरा का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे सबसे पहले स्टोर सेटअप, दूसरा हो गया आपका जो भी शेफ रहेगा या जो भी स्टाफ रहेगा उसको ट्रेनिंग का काम ये करेंगे, स्टोर कैसे चलाना है सो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है बिलिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा इसमें आता है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग हो गया या ऑफलाइन मार्केटिंग हो गया, किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों में कंपनी की तरफ से आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप भी इस कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां पर भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।